बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है, एक जो दौर है 2024 का जो चुनाव है इसको लेकर के आज सीएम साहब जैसलमेर पधारे और सभी 36 कौम के समाज के प्रबुद्ध जनों से यहाँ मुलाकात करी और उनसे आह्वान भी किया कि सब साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और अभूतपूर्व रूप से जिस तरीके से ये पार्टी काम कर रही है, आपने देखा है कि भारत में ही पूरे विश्व में आज भारत का जो नाम ऊपर करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसको और संबल प्रदान करें। और बाड़मेर जैसलमेर की भी उसमें भूमिका रहे, वहाँ से मंत्री भी हैं हमारे कैलाश चौधरी और हमारे जोधपुर पोखरण से भी संवाद दो लगते हैं हमारे, तो दोनों पर ही बड़ी जीत हो भाजपा की, इसी को लेकर चर्चा करें। ये चुनाव तो हर वर्ष आते हैं, लोग भी खड़े होते हैं, त्रिकोणीय नहीं, कई कई बार 20-20 जने भी खड़े होते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आखिरी दिन कोई 15-20 जनों ने नॉमिनेशन करे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। सभी का ये विचार रहता है कि सभी को जाकर टच करें। आप देखेंगे कि आप कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पधारे हैं पहले कई बार, और उसी रूप में आज तक भी कार्य कर रहे हैं। आपने जेड सिक्योरिटी भी हटा रखी है, आप अपने बड़े सरल स्वभाव से चलते हैं, तो उनका यही है कि मैं सबसे सहजता से मिलूं। और 36 कौम के हर वर्ग के लोगों को पहचानते हैं यहाँ पर, तो वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं आया हूँ तो उनसे सबसे मुलाकात हो, तो ये उनकी सरलता का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो कद है और कार्यकर्ताओं का बढ़ता हुआ कद है उसे दर्शाता है।